नक्षत्र। अब हम नक्षत्र पे बात करेंगे कि हमारे जो 27 नक्षत्र है उनके कृपया हो सके तो अपना वीडियो है ऑन रखिए ताकि एक दूसरे को हम देख पाए, समझ पाए, एनर्जी का एक्सचेंज भी हो पाएगा। यदि आपका वीडियो ऑन है तो हम एक दूसरे को देख पाएंगे, एनर्जी फ्लो बना रहेगा। आपको 2 मिनट पानी वानी पीना है तो आप लीजिए, भले ब्रेक ले लीजिए 1-2 मिनट का, फिर हम नक्षत्र की शुरुआत करते हैं। कुछ प्रश्न है तो आप पूछ लीजिए, तब तक बीच में प्लैनेट से रिलेटेड या और कोई प्रश्न है इसी टॉपिक से रिलेटेड तो आप जरूर पूछिए। आप जो प्लेनेट की युति बता रहे हो उसके बारे में कुछ नहीं बताया कि किस टाइप से कैलकुलेट होगी युति। नहीं सर, अभी वो कॉलेज की मैटर है, अभी हम तो केजी में हैं अच्छा, सर। ओके ओके सर, ओके सर, वो सब आपको ओके बता दिया जाएगा, मगर अभी तो हमें शुरुआत है सर। अभी हम नर्सरी से केजी में आ रहे हैं सर। अभी हम केपी में जाएंगे, उसको भी ओके दो सर, दो ओके सर, क्लासेस बाकी हैं, अभी हम केपी में भी नहीं गए हैं। हाँ ये हमारा बेस बन रहा है अभी, हाँ चलो बराबर है। इन सब चीज आएगी तो जी या सर जी। केपी में भी कर पाओगे कुछ, या कोई भी आप फैकल्टी में उसमें चले जाइए, देखो ब्रांचेस एक में। मिनट, हाल चाल चपड़ करने के लिए अजगरी हाँ उल्ला को फोन करना ओके चाहता सर, हूँ। सर कल हमने जो भी किया था क्या एग्जाम्पल के तौर पे एक चार्ट पे देख सकते हैं हम? हमारा ये टॉपिक पूरा हो जाएगा ना हाँ जी सर, तो हमारा जो बेसिक चैप्टर पूरा जो है, यानी एक कुंडली किस तरह से बनानी है, कुंडली में 12 हाँ भाव जी होते हैं, 12 राशियां, 9 प्लैनेट्स और 27 नक्षत्र, ठीक है, हाँ जी और हाँ उनकी जी दृष्टियां, इतना हमने इतना आज हमारा खत्म हो जाएगा ये क्लास होने से, ठीक है। फिर हाँ जी अगला हमारा जो क्लास होगा तो उसमें हम एक कुंडली के माध्यम से सब प्रैक्टिकल हम देखेंगे कि 12 भाव क्या है, किस तरह से देखते हैं, 12 राशियां को हम किस तरह से देखेंगे, 9 प्लैनेट्स यानी 9 ग्रह को हम किस तरह से देखेंगे, उसकी दृष्टि को हम किस तरह से देखेंगे। पूरा जितना सीखा है ना हमने वो पूरा हम कल हाँ जी सर, प्रैक्टिकल चार्ट से हम पूरा स्टडी करेंगे, और आप ही लोगों को वो ठीक है बताना है प्रैक्टिकल हम लोग पूरा, और नेक्स्ट चार्ट नेक्स्ट जो क्लास है जो हमने अब तक सीखा ठीक है, है बराबर सर, है, वो पूरा हम ठीक है प्रैक्टिकल चार्ट से हम देखेंगे। उसके बाद हम केपी में एंटर करेंगे, अभी तक हम केपी में नहीं गए हैं। देखिए ये बेस है, ये आप कोई भी ब्रांच में चले जाइए, चाहे जेमिनी में कीजिए, पराशरी कीजिए, केपी कीजिए, वैदिक कीजिए, लाल किताब कीजिए, जो भी कीजिए, उसके लिए ये बेस है। ये इतना जानना आपको जरूरी है, तब भी आप उसमें आगे जा पाओगे, ठीक है। ठीक है सर। और किसी का कुछ प्रश्न है, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। बच्चे सर, जी ऐसा कोई क्वेश्चन आपकी आवाज नहीं आ रही है मैम, क्लियर। आगे बढ़ते हैं सर, अभी एज ऑफ तो कोई नहीं है, काफी क्लियर हो रहा है। ये सर लास्ट डे की वीडियो नहीं आई है अभी। सबको हम भेज दिए कल, सबको आ गई है, आपको लास्ट क्लास की वीडियो सबको मिल गई है, ईमेल चेक कीजिएगा आप, सब अपना अपना सबको आ गई है, सिर्फ पीडीएफ जो था वो मैंने ग्रुप में डाला हुआ है, ठीक है, अपना ईमेल में आप देख लीजिएगा, सबको भेज दिया है, और जिसको नहीं है वो मुझे आप बता देना, मैं रिसेंड कर दूंगा उनको। आपकी सर आवाज नहीं आ रही, कट रही आवाज। मेरी आवाज नहीं आ रही है सबको? हाँ, आ रही है सर, आपको वहाँ नेटवर्क इश्यू होगा सर, आ देख रही है सर। लीजिए, यहाँ तो एकदम बढ़िया चल रहा है, सब कुछ दिख रहा है बढ़िया। अरे भाई सब उदास क्यों है, यूँ ठंडे ठंडे क्यों बैठे हो सब? संडे है, थोड़ा जोरो मस्ती से जरा बात कीजिए। हेतल जी, जी सर बोलिए।
घर पे टूटा हुआ छाता मिला? नहीं नहीं सुनो, टूटा हुआ छाता नहीं है। होगा देखिए घर पे होगा। अच्छा आई चेक वन मोर टाइम, वैसे मैं रखती नहीं हूँ। हाँ देख लीजिए टूटा हुआ छाता घर पे है कहीं, या तो फिर आपने उसको रिपेयर करवा लिया होगा। हाँ वो पॉसिबल हो सकता है, मैं रखती नहीं हूँ एज ऑफ, टूटा हुआ छाता मैं निकाल देती हूँ। हाँ नहीं वो जाने जाने में क्योंकि बारिश का सीजन नहीं है समझो, तो जब बारिश गई तो अभी रख दिया, फिर आएगी तब देख लेंगे रिपेयर करवा लेंगे, थोड़ा बहुत होगा तो ऐसा बनता है कभी कभी। आई चेक टुडे, आई चेक टुडे अगेन। ठीक है चले हम शुरुआत करते हैं आगे। सर प्लीज अपने आप को म्यूट कीजिएगा ताकि सबको अभी दिक्कत ना हो, ठीक है? और जो भी प्रश्न है फिर क्लास के क्लास खत्म होते आप जो किसको पूछना है तो आप पूछ सकते हो, ठीक है? हाँ तो अपने आप को जरा म्यूट कर लीजिए कविता जी प्लीज। अभी हम आते हैं नक्षत्र पे। ज्योतिष शास्त्र में 27 नक्षत्र माने गए हैं, यानी हमारा जो पूरा ब्रह्मांड है उसको हमने 27 भागों में विभक्त कर दिया यानी विभाजित किया है। प्रत्येक एक भाग को हमने नक्षत्र का नाम दिया है, नक्षत्र माना है, और उसको अपने उस 27 को हमने अलग अलग नाम दिए हुए हैं। अभी और उसके डीप में जाना है, हमें जानकारी लेनी है तो एक नक्षत्र को हमने आवाज लैकिंग कर रहे हैं, सबको ब्रेकिंग कर रहा है आवाज, आवाज आवाज सबको क्लियर आ रही है? नहीं सर नहीं आवाज क्लियर आ रही है। हाँ तो सर आपके नेटवर्क में कोई इश्यू होगा आप देख लीजिए। ओके सर। तो फर्दर एक नक्षत्र को हमको डीप में जानना है तो उसके हमने चार भाग फिर किए, उसको चरण कहते हैं। तो एक नक्षत्र के चार चरण होते हैं, तो वो अब हम जानते हैं कि ये 27 नक्षत्र क्या है। पहला नक्षत्र है अश्विनी नक्षत्र। तो नक्षत्र चक्र में सबसे प्रमुख और प्रथम नक्षत्र जिसका स्वामी है केतु। नक्षत्र का पूरा मैं एक आपको एक लिस्ट भेज दूंगा, चार्ट भेज दूंगा कौन से नक्षत्र का स्वामी कौन सा ग्रह है, ठीक है? अभी आपको सिर्फ ये समझना है, लिखने की किसको कोई जरूरत नहीं क्योंकि पीडीएफ आपको मिल जाएगा पूरा। हाँ तो पूरा उसी में दिया हुआ है, उसका आप प्रिंटआउट भी निकाल सकते हो, एक अच्छी सी बुक भी बना सकते हो, इतना क्लियर ये आपको दिया है पीडीएफ, यानी आप समझिए उसको सिर्फ, बाद में फिर आराम से उसे पढ़िएगा, ठीक है? राशि स्वामी मंगल देवता नर है। माना जाता है कि इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले व्यक्ति बेहद ऊर्जावान और सक्रिय रहते हैं। अब यहाँ नक्षत्र का क्या रोल है वो आप ध्यान से समझिएगा। और एक नक्षत्र के चार चरण होते हैं, तो कौन से चरण में उसका जन्म हुआ है वो अहम है। तो माना जाता है कि इस नक्षत्र में यानी अश्विनी नक्षत्र में जन्म लेने वाले व्यक्ति बेहद ऊर्जावान और सक्रिय है सक्रिय रहते हैं, इसकी कभी कमी ये नहीं होती है उनको कि ये किसी काम को कर लेने के बाद पार हैं। ऐसे व्यक्ति हमेशा जल्दी में दिखाई पड़ते हैं, भागम भाग भागम भाग, उसको शांति नहीं है, वो उधर से उधर भागते रहेंगे। शारीरिक दृष्टि है, एक नक्षत्र में जन्म लेने वाले लोग मजबूत काठी वाले होते हैं, जिसके हाइट ये सब एकदम मजबूत होते हैं। रोग प्रतिकारक शक्ति उत्तम पाई जाती है। पुरुषों के लिए अच्छा है क्योंकि पुरुष को लगाने वाले सभी गुण इसमें दिखाई देते हैं, जैसे धाड़स आवन लालसा पराक्रम वृत्ति आदि। यशस्वी ऐसी संपन्न स्वार्थ पूर्ति के लिए विश्वासघात भी ये लोग कर लेते हैं अपनी स्वार्थ इच्छा पूर्ति के लिए। परोपकारी यशस्वी वाहन एवं नौकर युक्त अश्विनी नक्षत्र में किए जाने वाले काम, नई विद्या सीखना प्रारंभ, संगीत, नई विद्या सीखना हमेशा ध्यान रखना। हमने हमारा क्लास जो शुरुआत की थी वो
इसी नक्षत्र में की थी ताकि आप सबको इसी का फायदा मिल सके। नया घर या नई दुकान हमें लेनी है तो इस नक्षत्र में हमें लेनी चाहिए, यानी ग्रह प्रवेश करना है हमें तो एक नक्षत्र में हमें करना चाहिए। तो एक नक्षत्र में जन्म लेने वाला इंसान लालची भी होता है एवं घूमने की आदत होती है उसे। इस नक्षत्र में जन्म जैसी धारसी मालूम पड़ती है, यानी उसमें एक धारस होता है, एक हिम्मत होती है। धनी, हसमुख, सुंदर आदि पोशाक आभूषण पहनने का शौकीन भी होता है ये। गठिला शरीर, जनप्रिय काम करने में होशियार, तो इस नक्षत्र में ये खासियत है। यदि इस नक्षत्र में किसी ने जन्म लिया है तो वो सुंदर होगा, मेहनती होगा, परोपकारी भी होगा। दूसरा है भरणी नक्षत्र, ये दूसरा नक्षत्र है। उसके चारों चरण में मेष राशि में आते हैं, उसके जो चार चरण है वो मेष राशि में आते हैं। यह नक्षत्र अधोमुखी, क्रूर और उग्रता वाला है। इस नक्षत्र पर शुक्र, मंगल, यम का अमन होता है। इस नक्षत्र में जन्मे व्यक्ति मध्यम ऊंचाई, रुक रुक के चलने वाले, दिलदार, उदार, विश्वास पात्र होते हैं, लेकिन दूसरे पर भरोसा करने के कारण ये लोग खुद का नुकसान करते हैं। इस नक्षत्र का स्वामी सूर्य, इस नक्षत्र का स्वामी शुक्र ग्रह को माना गया है। ये लोग आराम पसंद और आलीशान जीवन चाहने वाले होते हैं। ये आसानी से लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, क्योंकि शुक्र जो है वो आकर्षण का ग्रह है। प्रेम को ये सर्वोपरि मानते हैं, ये एक बार ठान लेने के बाद उसे पूरा करके ही दम लेते हैं। जल्दी पैसे कमाने की लालसा होने के कारण सट्टेबाजी जैसी दिशा की तरफ भी इनका झुकाव हो जाता है। सत्यवादी, स्वास्थ्य अच्छा, बीमारी कम रहे, सुमार्ग पर चले, सुखी स्त्रियों से आसक्त, अस्थिर मनोवृत्ति, अस्थिर विचार, विदेश गमन की इच्छा, दीर्घायु, शत्रु विजयी, कभी चोट लगकर अंग भंग होना संभव है। इस नक्षत्र की स्त्री दूसरी स्त्री का अंधा अनुकरण करने वाली होती है। घर के कामकाज और मेहनत की कामों करने में माहिर होती हैं। नक्षत्र देवता यम होने के कारण जैसे कर्म वैसा फल, जैसा परिणाम होता है। भरने का अर्थ होता है भरते रहना, इसलिए इस नक्षत्र में कोई भी वस्तु जमा करने से बढ़ोतरी होगी। भरने नक्षत्र मनुष्य में क्रूर और अधोमुखी होने के कारक कोई भी शुभ काम नहीं करते, इस नक्षत्र में कोई शुभ काम नहीं करते हैं। इस नक्षत्र का महत्व पितृपक्ष और श्राद्ध के वक्त होता है, यानी इस नक्षत्र को आप देखेंगे उसमें हम पितृपक्ष में और श्राद्ध करते हैं। कुआं तालाब खोदने के लिए ये नक्षत्र अच्छा है। कृतिका नक्षत्र, नक्षत्र में ये तीसरा नक्षत्र है। इसका चरण, प्रथम चरण जो है मेष एवं बाकी तीन चरण जो है वो वृषभ राशि में आते हैं। जैसे मैंने आपको बताया एक नक्षत्र के चार चरण होते हैं, तो इसका पहला जो चरण है वो मेष राशि में आएगा और बाकी के तीन चरण है वो वृषभ राशि में आएंगे। नक्षत्र क्रूर, अधोमुखी एवं सुलीचान है। नक्षत्र स्वामी सूर्य है, राशि स्वामी मंगल और शुक्र है। देवता अग्नि होने की वजह से प्रखर और कोपिष्ठ स्वभाव है। इस नक्षत्र में जन्मे व्यक्ति मजबूत और आकर्षक होते हैं। इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले लोग पर सूर्य का प्रभाव ज्यादा होता है। ये किसी पर विश्वास नहीं करते और आत्ममुग्ध स्वभाव वाले होते हैं। हालांकि सकारात्मक तौर पर इसे स्वाभिमान भी माना जा सकता है। कमी चरित्रहीन, कंजूस, कृतघ्न, मित्र एवं संबंधियों से बिगाड़ हो, यानी इनके रिलेशन उतने अच्छे नहीं रख पाते हैं ये लोग। जिस काम में हाथ डालें उसे पूरा करके छोड़ेंगे ये। अच्छे भोजन आदि के शौकीन होते हैं। स्त्रियों से मित्रता बढ़ाने में सिद्धहस्त, किसी विशेष विषय में दक्ष, स्वेच्छा अनुसार कार्य करने वाला, बुद्धिमान, लोभी
प्रसिद्ध तेजस्वी आशावादी बाह्य व्यक्तित्व शानदार दिख विद्वान देखने में भव्य, इनकी बॉडी जो होती है वो एट्रेक्टिव होती है। मुक्केबाजी में रुचि रखने वाला चालाक और होशियार होता है, तुनक मिजाजी भी होता है और बहुत ज्यादा उत्साह इसके अन्य लक्षण होते हैं। और स्मार्ट जिसे हम कहते हैं ज्यादा उत्साही होते हैं। यह नक्षत्र प्रसिद्धि देने वाला एवं उच्च पद तक पहुंचाने वाला होता है। इस नक्षत्र की स्त्री भी दिखने में सुंदर और आकर्षक होती है, साथ ही पराक्रमी कर्तव्यवान स्वावलंबी और महत्वाकांक्षा होती है। कृतिका नक्षत्र शस्त्र क्रिया करने के लिए लाभदायक है। यदि आपको किसी का ऑपरेशन वगैरह करवाना हो और टाइम है आपके पास तो आप इस नक्षत्र में जाओगे तो 100% वो सक्सेस होगा ही। इमरजेंसी की बात मैं नहीं कर रहा हूं, जैसे कि हमको पता है कि ये भाई मुझे इसका ऑपरेशन इस ये तकलीफ है इसका मुझे ऑपरेशन करना है और हमारे पास टाइम है कि भाई आज नहीं हम 8 दिन बाद कर सकते हैं 10 दिन बाद भी कर सकते हैं, तो आपको इस नक्षत्र में जाके ऑपरेशन करोगे आप तो उसमें 100% सफलता मिलेगी। तो शस्त्र क्रिया के लिए ये उपयुक्त है, लाभदायक है। आगे का हमारा नक्षत्र है रोहिणी नक्षत्र। नक्षत्र चक्र में यह चौथा नक्षत्र है जिसके चारों चरण जो है वो वृषभ राशि में आते हैं। यह नक्षत्र स्थिर उर्ध्वमुखी एवं अंधलोचनी है। नक्षत्र स्वामी चंद्र है, राशि स्वामी शुक्र और देवता ब्रह्मा है। यह नक्षत्र अति शुभ कार्य संपन्न और सिद्ध करने तक पहुंचाने वाला है, यानी हर शुभ जो कार्य होता है वो इस नक्षत्र में हमें करना चाहिए। एक मेव नक्षत्र है जो शारीरिक मानसिक और ऐहिक संख्य की प्राप्ति करवाता है, यानी सारे के सारे जो सुख में चाहे वो मानसिक हो चाहे भौतिक हो चाहे शारीरिक हो तो हमें ये नक्षत्र दे सकता है। इस नक्षत्र के व्यक्ति तेजस्वी मनमोहक सशक्त शरीर वाले होते हैं, स्त्री के लिए सर्वोत्तम नक्षत्र है। सुंदर आकर्षक लुभावना व्यक्तित्व सत्य एवं मधुरभाषी जनप्रिय कार्यपटु कलाकार सांसारिक कार्य बुद्धि में संपन्न इस व्यक्ति इस नक्षत्र से होते देखा जाता है। रात का जन्म हो तो झूठ बोलने वाला, इसी नक्षत्र में यदि रात को जन्म होता है तो वो झूठ बोलने वाला होगा, हमेशा झूठ बोलेगा वो। कठोर मन वासना अधिक वासना प्रति के लिए कुछ भी वो कर सकता है, भोगी होगा, धन व स्मरण शक्ति तीव्र होगी उनके पास, धन का भोगी भी होगा और स्मरण शक्ति भी उसकी तीव्र होगी। नेत्र बड़े बड़े ललाट चौड़ा और थोड़ा वो आलसी भी होगा। इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले लोग काफी कल्पनाशील और रोमांटिक स्वभाव के होते हैं, चंचलता भी इसका एक गुण है। स्थायित्व इनकी सबसे बड़ी कमी है। मुहूर्त के लिए रोहिणी नक्षत्र अच्छा है, विवाह वास्तु शांति आदि सभी शुभ काम किए जाते हैं। विवाह के लिए हम इसी नक्षत्र को देखते हैं, वास्तु शांति है, ग्रह प्रवेश है, हम इसी नक्षत्र को देख के किए तो सफलता मिलती है। मृगशिरा नक्षत्र पांचवा नक्षत्र, जिसके प्रथम दो चरण चार चरण में से प्रथम दो चरण वृषभ और बाकी के दो चरण मिथुन राशि में आते हैं। इसके देवता चंद्र, नक्षत्र स्वामी मंगल और राशि स्वामी शुक्र और बुध है। यह मंगल ग्रह से जुड़ा नक्षत्र है। इसमें जन्म लेने वाले लोग साहसी और दृढ़ निश्चयी होते हैं क्योंकि मंगल से जुड़ा है। ये स्थायी और मजबूत जीवन जीने में विश्वास करते हैं, यानी आपको पता चल गया कि ये इंसान इस नक्षत्र में जन्म लिया है तो आप उसके बारे में उसको प्रिडिक्ट कर सकते हो, उसको बता सकते हो, उनके स्वभाव के बारे में आप जान सकते हो कि ये स्थायी है, मजबूत जीवन जीने में भी विश्वास करने वाला है, ये हमेशा सतर्क रहेगा। इसके अलावा बदला लेने की प्रवृत्ति, गुस्सा इसमें नकारात्मक पोलों में से एक है, ये इसमें काफी गुस्से लेंगे, मंगल से रिलेटेड है तो गुस्सा काफी होगा, बदला लेने की भावना होगी इसमें, ये इसके माइनस पॉइंट है। क्रोधी भी होगा, चालाक भी होगा। लड़ाई फसाद के कामों में रुचि, प्रियजन के अनादर में खुश,
डरपोक, विद्वान डरपोक, विद्वान विवेकशील यात्रा में लांच धन प्राप्ति, लांच से वो धन प्राप्ति, वह मित्रों से युक्त विद्वान होते हुए भी चंचल वृत्ति अभिमान की मात्रा विशेष रहेगी इसमें। इस नक्षत्र में जन्म स्त्री कला कौशल में निपुण होती हैं। देखिए किसी लेडी की चार्ट है आपके पास, पत्रिका है, उसमें आप देख सकते हो कि उसका जन्म यदि मृगशिरा नक्षत्र में हुआ है तो आप उसे बात तो आपको पता चल जाएगा उसके बारे में कि वो कला कौशल में भी वो निपुण होगी। यह नक्षत्र मध्यम वर्ग के लोगों के लिए उत्तम माना गया है। यह नक्षत्र मध्यम वर्ग के लिए, मध्यम वर्ग के लोगों के लिए उत्तम माना गया है क्योंकि वे लोग किसी के सहारे ऊपर उठते हैं। यह नक्षत्र सभी शुभ कार्यों के लिए अच्छा है, सभी शुभ कार्य हम इसी में कर सकते हैं। अगला नक्षत्र है आद्रा नक्षत्र, छठा नक्षत्र। यह तीक्ष्ण ऊर्ध्वमुखी मध्यलोचनी एवं मनुष्य गणी है। इसके चारों चरण जो है वो मिथुन राशि में आते हैं और मिथुन का जो स्वामी है वो बुध देवता है। यह नक्षत्र बुध और राहु से जुड़ा हुआ है। राहु के प्रभाव के कारण इसमें जन्म लेने वाले लोग राजनीति में काफी दिलचस्पी रखते हैं। ये घटनाओं और संभावनाओं को बहुत ही जल्दी बढ़ जाते हैं और इन्हें आसानी से बेवकूफ बनाया नहीं जा सकता। स्वार्थ और अपने फायदे के लिए नैतिकता की बलि, इनका बलि वो चढ़ा देंगे, इसमें वो कोई परहेज भी नहीं करेंगे। उत्तम बुद्धिमत्ता व स्मरण शक्ति इस नक्षत्र के लोगों में पाई जाती है। नम्र स्वभाव, मजबूत दिल, धन दौलत से सुख से वंचित, धन दौलत के सुख से वंचित, अच्छे कामों में रुचि, विचलित मन, मस्तिष्क वाला होगा, उसका मन हमेशा विचलित रहेगा क्योंकि राहु जुड़ा हुआ है वहां। बलवान शूद्र व ओछे विचार युक्त, कम शिक्षित, एजुकेशन कम रहेगा। आडंबरी, धार्मिक कामों में व्यर्थ प्रदर्शन करने वाला, दिखावा करने वाला होगा ये प्राय फिटर, ओवरसिएटर, फोरमैन, इंजीनियर इत्यादि होते हैं। ये सब जो होते हैं, जो फिटर वगैरह होते हैं, फोरमैन है, इंजीनियर है, ये इत्यादि इसी कैटेगरी में आते हैं, इसी में आते हैं। सभी शुभ कामों के लिए निश्चित, लेकिन कोई भी शुभ कार्य इसी में नहीं किया जाता है, लेकिन अघोरी विद्या के कामों के लिए ये अच्छा है, तंत्र मंत्र के लिए ये नक्षत्र अच्छा है। अगला नक्षत्र है पुनर्वसु नक्षत्र। ये सातवां नक्षत्र पुनर्वसु, फिर से बसाने वाला, पुनर्स्थापित करने वाला इसे माना गया है। ये नक्षत्र दिवालिया हुआ व्यापारी या लोगों को लाभदायक होता है क्योंकि एक बार वो जो दिवालिया हो गए हैं उसको पुनर्स्थापित करना है, फिर से बसाना है, फिर से उसी जगह पे वापस लाना है, तो इस नक्षत्र में उसको लाभ होता है क्योंकि उनको अपना सभी कुछ पुनः प्राप्त करने में सहायक ये नक्षत्र होता है। इस नक्षत्र के देवता अदिति, स्वामी गुरु और राशि स्वामी बुध है, बुध और चंद्रमा है। ये नक्षत्र सात्विक गुणों के परिपूर्ण है, स्त्री के लिए वरदान है ये नक्षत्र। यह नक्षत्र काफी अहमियत रखता है। इसमें जन्म लेने वालों को दैवीय माना जाता है। देखिए बहुत बड़ी बात है ये इसका एक गुण है, इसमें जन्म लेने वालों को दैवीय माना जाता है। इनका शरीर काफी भारी और याददाश्त बहुत तेज होती है। ये प्रेम की भावना से ओतप्रोत होते हैं, बुद्धिमान विद्वान होते हैं, शीतल स्वभाव के होते हैं, बहु मित्रों वाले होते हैं। इनकी मित्रों की संख्या काफी होती है क्योंकि इनका स्वभाव ऐसा है। संतान सुख युक्त होते हैं, श्वेत वस्तुओं में रुचि, इनको श्वेत कलर से ज्यादा लगाव होता है। काव्य प्रेमी, माता पिता का भक्त होता है ऐसा व्यक्ति जो होता है। आनंदमय जीवन आनंदमय जीवन उनको ज्यादातर तो मिलता है। अपने कार्यों में प्रसिद्धि प्राप्त करते हैं। ये परोपकारी होते हुए भी
स्वार्थ में कभी नहीं आने देते हैं, स्वार्थ कभी नहीं आता है इनको। अहंकार के दुष्ट, दुबुद्धि, दुष्कर्मी, मूर्ख मूर्ख परिजनों को दुख व कष्ट देने वाला गरीब, यदि उसने अहंकार यदि आ जाता है उसे, दुष्टता उसमें आ जाती है, अपने परिवारजनों को यदि कष्ट देता है तो वो गरीबी में वो चला जाएगा। यह शादी जैसे कार्य छोड़कर बाकी कार्यों के लिए अच्छा है। शादी जैसे कार्य इसमें नहीं किए जाते हैं, बाकी कार्य सब आप इसमें कर सकते हो। आगे का नक्षत्र है पुष्य नक्षत्र, आठवां नक्षत्र जिसमें कोई भी ग्रह शुभ फल देता है, और अगर चंद्र गुरु हो तो दूध में शक्कर जैसे कहते हैं ना, इसमें सभी चरण कर्क राशि में आते हैं। नक्षत्र स्वामी शनि, राशि स्वामी चंद्र, और देवता बृहस्पति हैं, गुरु है। ऊर्ध्वमुखी, लघु, अंधलोचनी नक्षत्र है। शनिदेव के प्रभाव वाले पुष्य नक्षत्र को सबसे शुभ माना गया है। इसमें जन्म लेने वाला लोग दूसरों की भलाई के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। ये मेहनती होते हैं, ये स्वभाव से काफी परिपक्व होते हैं। इन्हें संयमित और व्यवस्थित जीवन पसंद आता है। यह नक्षत्र शुभ देवगणी व सत्वगुणी माना गया है। बुद्धिमान, सुशील, होशियार, धर्म में इनकी आस्था रहती है। दूसरों का काम सवारने का प्रयत्न करता है ये लोग, जो मिले सो खा ले, दूसरे की बात सिर समझने वाला, चतुर, कार्य दक्ष, सुंदर, मेघावी, सत्यवादी, कुटुंब प्रेमी होते हैं ये लोग, विशाल हृदय वाले होते हैं, ईश्वर भक्त, राज पक्ष में सम्मानित यानी राज्य सरकार से सम्मानित भी होते हैं ये लोग, कवि, लेखक, पत्रकार, वकील, अध्यापन में रुचि लेने वाले लोग ये होते हैं, प्रशासनिक कार्यों में दक्ष, वस्त्राभूषण, नौकर, वाहन युक्त होता है। स्त्री एवं पुरुष दोनों के लिए अनुकूल ऐसा नक्षत्र है ये। यह नक्षत्र घर या मंदिर बनाने के लिए, विवाह के लिए अनुकूल नहीं है। इस नक्षत्र में आपको घर बनाना नहीं चाहिए, मंदिर नहीं बनाना चाहिए, उसके लिए ये अनुकूल नहीं है। अश्लेषा नक्षत्र, नक्षत्र में ये नौवां नक्षत्र है जिसके चार चरण कर्क राशि में आते हैं। यह नक्षत्र मंदलोचनी, जावाग्नि तत्व वाले होते हैं। नक्षत्र स्वामी बुध, राशि स्वामी चंद्र, देवता सर्प है। शास्त्रों के अनुसार यह नक्षत्र विशेष माना जाता है। साधु संतों की सेवा करने वाला, अपनी अकड़ में रहने वाला, सदैव अपना फायदा, रिश्तेदारों से संबंध, रिश्तेदारों से अनमन, शराब आदि में रुचि रखने वाला, झूठा, कृतघ्न, धूर्त, लंपट, अत्यंत क्रोधी, दुरावासी, निर्लज, औषधि व्यापार में लाभ से होगा, वासना की पूर्ति के लिए निम्नतम काम करने के लिए भी ये तैयार हो जाएगा। अंधविश्वासी की चरम सीमा को भी ये पार देगा, यानी काफी अंधविश्वासी होगा। इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले लोग ईमानदार होते हैं, लेकिन अवसरवादी भी इसका मुख्य गुण है, यानी अवसरवादी होते हैं। ईमानदार तो होते हैं, और जैसा उनको अवसर मिलेगा उसमें अपना वो फायदा खुद देखेंगे। ये कुशल व्यवसायी होते हैं। ये नक्षत्र शुभ कार्यों के लिए वर्जित है, इसमें शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं। अधोमुखी होने के कारण कुआं खोदने जैसे काम किए जाते हैं।